दोस्तों आप सबका हमारे चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत है। दोस्तों आज हम पैन कार्ड में करेक्शन करने का देखेंगे, किस तरह से पैन कार्ड में अगर कोई करेक्शन करना हो, एग्जांपल आपका कोई नाम गलत आ गया हो, फादर नेम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, करेक्शन हो, वो किस तरह से किया जाता है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। इसे आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसके लिए गूगल पे जाना होगा। गूगल पे जाके आपको protein3pan.com टाइप करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसे तो आप देखेंगे इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे ही आप सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने NSDL का नया पोर्टल आ जाएगा पैन करेक्शन के लिए। इसको आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करके जब इसे आगे बढ़ोगे तो आपको एक ऑप्शन पे ये ले जाएगा, जहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स सबमिट करनी होती है। यहाँ और भी ऑप्शंस होंगे, लेकिन यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन ऑनलाइन पैन सर्विसेज पे जाके क्लिक करना है और वहाँ जाकर अप्लाई फॉर पैन ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से पेज दिखाई देगा। इस पेज पे जब आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिए जाएंगे, न्यू पैन इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन और लास्ट ऑप्शन जो होगा नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा। यानी आपको इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आपको करना है कि आपको आपका जो पैन में कुछ करेक्शन करना है, चेंजेस करना है, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। उसके बाद कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी होगी, इंडिविजुअल है, AOP है, BOI है, कंपनी है, ट्रस्ट है, LLP है, क्या है, आपको इसमें से क्लिक करना पड़ेगा इंडिविजुअल, अगर आपका इंडिविजुअल है तो। नेक्स्ट आप अब जाएंगे तो आपको यहाँ पर टाइटल दिखेगा, श्री श्रीमती कुमारी जो है आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका लास्ट नेम आएगा, फर्स्ट नेम आएगा, मिडल नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगा, मेल ID आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और सिटीजन इंडिया हो तो यस, अदरवाइज नो। पैन नंबर डालेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी पैन अपना बना रखा है, आपको चेंजेस करने तो आपको यहाँ पैन नंबर आपका डालना होगा। उसमें आपको यहाँ टिक करके नीचे कैप्चा इमेज डालना होगा। उसके बाद यहाँ आकर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको इस तरह से एप्लीकेशन का पेज दिखाई देगा कि आपका उसमें टोकन नंबर दिखाया जाएगा और ये जो टोकन नंबर है आपने जो मेल ID डाली थी उस पर भी सेंड कर दी जाती है। और इसका टोकन नंबर जो है वो 30 दिन के लिए वैलिड रहता है। अगर आपको ये एप्लीकेशन कंप्लीट करना है तो आपको 30 दिन के अंदर कंप्लीट करना होगा, अदरवाइज ये एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद नीचे एक बटन दिखेगा कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म, ये पेन एप्लीकेशन फॉर्म को आपको बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको इस तरह से तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, सबमिट डिजिटली थ्रू EKYC एंड E-sign पेपरलेस, सेकेंड है सबमिट स्कैंड इमेज थ्रू E-sign, थर्ड है फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास डेटा आधार वाला सब सही है तो आप इस पर भी जा सकते हो, बाकी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, हम इसको क्लिक कर रहे हैं। आप नीचे देखोगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, अगर आप इस तरह से कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है, क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब आपको पढ़ लेना है एक बार, और किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा पूरा दिया हुआ है। चाहेंगे तो फिजिकल पैन कार्ड आपको अगर चाहिए तो आपको यस करके करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पैन कार्ड आपका बन रहा है तो आपको उसका एक हार्ड कॉपी भी चाहिए रहेगा, तो यस फीस एप्लीकेबल पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको फिर यहाँ आगे नीचे डिटेल्स है वो भरनी है, चार नंबर पे आपको इसको यहाँ बॉक्स पे टिक करना है और लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर कह रहा है कि इनका आधार का वो डालना है, आपको यहाँ पर आके टाइप करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो आधार पर फोटो है वही आपका पैन पे आ जाए तो आप इसको यहाँ पर यस नो कर सकते हैं, यहाँ पर हम नो कर रहे हैं। यहाँ EID नंबर पे आपको नहीं कुछ करना है, नेम एज पर आधार पे यहाँ भी कुछ नहीं करना है, GST नंबर एप्लीकेबल अगर है तो डालना है, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है। आपको जो करेक्शन करना है उसके बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। फॉर एग्जाम्पल नेम में कोई करेक्शन है तो आपको नेम पर यहाँ के बॉक्स पे टिक करना है, जो आप टिक करोगे वही करेक्शन वहाँ पर आपका होगा, तो इसको बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना है। अगर आपने सेलेक्ट नहीं किया हो सकता है कि आपका वो चेंजेस पेन पर नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एप्लीकेंट का ये नाम में कुछ चेंजेस करना है
तो उसके नेम चेंजेस के लिए आपको वहाँ बॉक्स पे टिक करना पड़ेगा फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, वहाँ पर आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम जो चाहिए आपको डालना होगा। उसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में अगर कुछ चेंजेस चाहते हैं तो उसको टिक करना है, जेंडर में चेंजेस चाहते उस पर टिक करना है, फोटो मिसमैच हो तो उसको टिक करना है। उसी तरह से आगे आपको ऑप्शन दिए उसको आपको भरना है, जो जो आपको चेंजेस करना है वहां पर आपको उसको टिक करना होगा। आगे आप देखेंगे अगर फादर नेम मदर नेम में कुछ चेंजेस है तो अगर आपको करना है तो वहां टिक करके आपको यहां फिल करना होगा। आप नेक्स्ट पेज में आएंगे और जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं तो आप राइट साइड में देख सकते हैं कि किस तरह से सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन है, इसे आपको क्लिक करना है ताकि आपका डेटा जो आप फीड कर रहे हो लॉस्ट ना हो। और उसके बाद नीचे आप देखोगे कि एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन पूछा जा रहा है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो उसमें आप जाके टिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर टिक करोगे तो आपको यहाँ पर आपके ऑफिस का एड्रेस या जो भी आपको चेंजेस करने हैं इसमें दिखाई देगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रूफ भी उस जगह का अटैच करना पड़ेगा। हमारे केस में नहीं है इसके लिए हम इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट आपका जो टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, कोई नया नंबर और मेल आईडी डालना है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हो। लास्ट में पूछ रहा है मेंशन अदर पैन अकाउंट नंबर्स पैन्स इफ एनी इन एडवर्टेंटली अलॉटेड टू यू। एग्जाम्पल अगर आपका कोई एक से ज्यादा पैन है गलती से बन गया है तो वहाँ आप उसको मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज में जब आएंगे यहाँ डॉक्यूमेंट सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ये बताएगा कि आपको क्या भरना है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। यहाँ पर आपको आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ लगाना होता है और प्रूफ ऑफ पैन। प्रूफ ऑफ पैन में होगा कि कॉपी ऑफ पैन, अलॉटमेंट लेटर, नो डॉक्यूमेंट। इसमें से जो भी आपके लिए आसान है वो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का कॉपी या पैन अलॉटमेंट लेटर का लगा सकते हैं, या तो नो डॉक्यूमेंट आप क्लिक कर सकते हैं। और ये यहाँ आप देखोगे कहीं भी आपको यहाँ पर क्लिक करने का मौका नहीं मिल रहा है, यहाँ एनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने जो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था, अगर आप पहला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था अगर वो सेलेक्ट किए बगैर आप पेपरलेस के बजाय पेपर वाले पे जाते, आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता तो यहाँ पर कई जगह आपको टिक करना होता। हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि हमने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके बाद लास्ट आपको डिक्लेरेशन में डालना होगा, जो पैन होल्डर है उसका अपना नाम आएगा और हिम सेल्फ हर सेल्फ जो भी होगा टिक करेंगे, या तो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी होगा उसको टिक करना होगा। इसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट क्या आप इनक्लोज कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डालना होगा, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद प्लेस आपको डालेंगे, डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद लास्ट में सबमिट का ऑप्शन, इसको आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे आपको वो आधार के पहले नंबर 8-डिजिट नंबर्स मांगेगा, उसको फिल करके आपको लास्ट प्रोसीड बटन पे आकर क्लिक करना है। उसके आगे आप आएंगे तो आपको यहाँ मोड ऑफ पेमेंट दिखाई देगा, पेमेंट करना है डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम और ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क आपको ऑप्शन दिखाई देगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पर ये अवेलेबल है। इसके बाद आई एग्री टर्म एंड सर्विस पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको ये 106 रुपये भरने के लिए ऑप्शन देगा, मात्र 106 रुपये पर 0.90 पैसा। आप 107 रुपये भी कह सकते हो, इसको आप जैसे पे करेंगे तो उसके बाद आपका आगे प्रोसेस होगा। यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन आईडी भी दिखाई जा रही है, वो भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। पे कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे, उसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई वैलेट, क्यूआर कोड। तो क्यूआर कोड के थ्रू हम यहाँ पर क्लिक करके आगे जाएंगे, मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको एक बार कोड दिखाई देगा क्यूआर कोड, वहां पर आपको स्कैन करके अपना पेमेंट करना है। दोस्तों पेमेंट जब करने जा रहे थे किसी वजह से वो हमारा पेमेंट का ऑप्शन हट गया था, पेज बंद हो गया था, तो हम दोबारा ट्राई करें। यहाँ आपको ये भी चीज़ देखने मिल रही है कि किस तरह से अगर आपका अगर बीच में इंटरप्ट हो जाता है पेमेंट करते वक्त, या आपने कुछ भरा है फॉर्म, तो आप जब सेव ड्राफ्ट कर रहे हो तो वो सेव ड्राफ्ट जितना भी आपने किया है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको आपने जो की थी फिल की थी वो आपको दोबारा मिल जाएगी। आपको टोकन नंबर इसके लिए संभाल के रखना है। हम टोकन नंबर डाल रहे हैं, मेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डाल रहे, तो देखते हैं क्या होता है। तो देख ही सकते हैं हम, हमारा जहाँ से
फॉर्म छोटा था वहीं पर आकर उसने हमें लाके छोड़ा। दोबारा हमको कोई भी चीज़ें भरनी नहीं पड़ी, फिल करनी नहीं पड़ी। क्लिक करेंगे, स्कैनर आपके सामने होगा QR कोड का, तो आप उसको स्कैन करके आपका पेमेंट इजीली कर सकते हैं। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, इस तरह से ये आगे प्रोसीड होगा। वहाँ आपको रुकना है, कोई भी आपको यहाँ इंटरप्शन नहीं करनी है। पेमेंट होने के बाद आपको ये पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी, इसमें आपको ट्रांजेक्शन स्टेटस दिखाई देगा, ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर होगा और साथ में आपने कौन से डेट में ट्रांजेक्शन किया था, आपका पेमेंट कितना था, बैंक रेफरेंस नंबर क्या है, पूरा चीज़ आपको दिखाई देगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इसके बाद आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो आपको आगे आधार ऑथेंटिकेशन का पेज दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टिक करना है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। इसको ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर आपको आगे क्लिक करना होगा। EKYC के पेज पे ले आएगा, इसे कंटिन्यू विद EKYC आपको करना है। यहाँ पर आपको एक OTP आएगा, जो आपने आधार नंबर आपका बनाते वक्त जो भी आपका नंबर होगा मोबाइल नंबर, उस नंबर पर आपको OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको सबमिट करना है। 10 मिनट तक ये OTP वैलिड रहती है और 2 अटेम्प्ट और मिलते हैं, तो इसको बराबर देखकर प्रॉपर्ली डालना होगा। सबमिट करेंगे, जैसे आप सबमिट करोगे तो वो कंटिन्यू विद ई साइन का ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। आपको इसके बाद इस तरह से पेज दिखाई देगा, यहाँ पे आपको इसको क्लिक करना है और आधार नंबर आपका डालना है, फिर OTP आएगी, वो OTP आपको सबमिट करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद इस तरह से आपको एक PDF ओपनिंग का दिखाई देगा, जिसमें आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। लास्ट में आपको इस तरह से एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगी। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया था तो। लास्ट में आपको इस तरह से एक्नॉलेजमेंट दिखाई देगा, इस एक्नॉलेजमेंट को आपको सेव करके रखना है। और अगर आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन का ऑप्शन लिया होगा तो उसके लिए अलग प्रोसीजर है, और आखिर में आपको पोस्ट के जरिए वो फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। इस केस में हमें फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो होप करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों ये वीडियो बनाई थी हमने हमारे एक दोस्त के करेक्शन के लिए, तो सोचा इसको रिकॉर्ड कर दिया जाए। और वो जो हमारे दोस्त हमेशा इसके लिए रिक्वेस्ट करते रहे हैं कि पेन के लिए भी और पेन करेक्शन के लिए भी बनाएं, तो उसके लिए हमने ये बना दी थी। तो अगर आप इस तरह की और भी कोई वीडियो देखना चाहते तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, वक्त मिला तो ज़रूर उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तो दोस्तों इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।